आज हम पालक की मच्छी बनाना सीखेंगे। ये नॉर्मल जो मच्छी होती है उससे टेस्ट अलग होता है और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग है। तो आइए मैं आपको इसको क्रश करके दिखाती हूँ, कितना ही क्रश है और कितना ही सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी क्रंची है और कितना सॉफ्ट है, और अंदर से जो मैंने पालक डाला है इससे बिल्कुल ग्रीनिश कलर आ रही है। तो आइए हम इसकी रेसिपी को सीखते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो। आइए हम शुरू करते हैं। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैंने एक कप मैदा लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून मैं घी लूँगी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है जिसको मैं इसमें ऐसे क्रश करके थोड़ा सा ऐसे क्रश करके फिर मैं इसे डाल दूँगी। पिंच ऑफ मैंने कलौंजी ली है, इसे भी हम डाल देंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसे हम पालक का फ्लेवर दे रहे हैं, तो ये मैंने पालक 4 टेबलस्पून पालक को मैंने वॉश करके पेस्ट बना लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे हम जो हमारा मोयन है इसमें पालक है इन सभी को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, इसे हमने अच्छे से मसल मसल के ऐसा हमने क्रम्बल कर लिया है। अब हम इसमें लगातार पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक टाइट डो हम बनाएंगे। जैसे हमारा पूरी का बिल्कुल टाइट डो होता है वैसा डो हम बनाएंगे। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून पानी लिया है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे हम गूंथ। आप देख सकते हो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून पानी लिया था जिसमें कि सिर्फ मुझे 1 टेबलस्पून के आसपास 1.5 टेबलस्पून के आसपास पानी लगा है, और मेरा ये डो बन के तैयार है, बिल्कुल टाइट डो है। इसे हम रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो इसे हम ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक डो रेडी हो रहा है तब तक हम एक अपना पेस्ट बना लेते हैं जो हम इस पर लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैदा है, मैंने 1 टीस्पून घी लिया है, मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो उसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक अपना पेस्ट बना लेंगे। कि इसमें मिक्स नहीं हो रहा है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा मतलब 1/2 टीस्पून के आसपास हम इसमें पानी डालेंगे। 1 टीस्पून ये पानी है, इसे हम डाल के मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा जो ये पेस्ट है ये बनकर तैयार है। 15 मिनट्स हो गए हैं, हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे करते हुए 4 पार्ट में। अब हम इसे बेलेंगे, तब इसे हम बेल लेते हैं। हमें आटा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम इसे बेलेंगे। और जितना पतला आप बेल सकते हो उतना पतला मैंने बेला है, जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए। अब इसी तरह हम दूसरा भी बेल लें। पेस्ट है, इसे हम अच्छे से इस पर लगा देते हैं। इसे लगाने के बाद ये जो मैंने हमने एक और बेला था उसको इसके ऊपर से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और अब हम इसे इसको रोल करेंगे। तो ऐसे करते हुए हम अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। इसे ऐसे रोल करते हुए थोड़ा सा इसे हम लंबा कर लेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। इसे हम ऐसे रखेंगे, आप देख सकते हो जहाँ पे ये लेयर है इसको हम ऐसे रखते हुए
अपने यहाँ के पोर्शन से पाम से इसको ऐसे करके हम प्रेस करेंगे, हल्का सा ये प्रेस करेंगे ताकि ये जो पूरा चारों तरफ इस पर जो हमने डिज़ाइन डाला है ये अच्छे से दिखने लगेगा, और उसके बाद हम ऐसे करके बेल देंगे। ये हमारा तैयार है। इसी तरह हम अपना सारे बना लेते हैं। ये जो हमारी मटरी है आप देख सकते हैं, पालक की मटरी बनके तैयार है। इसे हम जो हमारा बेलना था ये हमने बेल लिया है। इसी तरह हम इसे 5 मिनट के लिए हवा में, मतलब इसे हम ढकेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही बस 5 मिनट के लिए हम खुले में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म है यानी इसे चेक करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ये हम आटे का टुकड़ा डालेंगे इसमें। अब ये फ्राई होकर ऊपर आ गया है, इट मीन्स हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम अपने सारे, एक बार में आप पूरा ना डालें, कोशिश करें 2 से 3 डालें ताकि ये अच्छे से फ्राई होने पाए। और इसका जो फ्लेम रहेगा बिल्कुल ही लो रहेगा, और लो फ्लेम में इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह अपने सारे जो मटरियाँ हैं उसे हम फ्राई कर लेते हैं। क्रंची मटरी बनकर तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।